असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। इनमें अनुच्छेद 370 का हटना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा फैसला लेने से पहले लगभग हर सरकार सोचती, लेकिन इस सरकार ने सोचा भी और अपनी सोच को अमली जामा भी पहनाया। जी हां, साल 2019 में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और उसके बाद से ही महबूबा मुफ्ती और ज्यादा चिड़ी हुई है। पहले दिन से राग अलाप रही है कि वो इसके विरोध में है और फिर से ये बहाल होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती का सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल नहीं हो जाता। आपको बता दें, कर्नाटक में नए सीएम और नए डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। यहां पर तमाम विपक्षी दल पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जनता में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि देखिए हम सब एक हैं, सिर्फ अकेली बीजेपी खड़ी है। तो ऐसे में यहां पर जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहुंची तो यहां पर उन्होंने अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ कह दिया कि लोकसभा चुनावों को लेकर तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव मैं तब तक नहीं लड़ूंगी जब तक ये अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, पहले आपको बयान सुनिए। मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। एज फार एज माई पार्टी इज कंसर्न, इट वॉज डिसमेंटल, इट वॉज ब्रोकन टोटली, बट द वर्कर इज विद मी एंड वी आर रीबिल्डिंग इट। तो सुना आपने किस तरह से महबूबा मुफ्ती दो टूक कह रही हैं कि तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक राज्य में ये फिर से बहाल नहीं होगा। अब जब से उनका ये रिएक्शन सामने आया है, सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फजीहत हो रही है। लोग उन्हें ट्रोल कर रही हैं, कह रहे हैं आपके बस का तो कुछ था नहीं, आपकी बाकी सरकारों के बस का भी कुछ नहीं था, अब अगर मोदी सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है तो इसकी सराहना करने के बजाय इतनी मिर्ची आपको क्यों लग रही है। ये सारी चीजें चल रही थी कि इन सबके बीच कवि कुमार विश्वास का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आया, जिसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जबरदस्त तरीके से लताड़ा, व्यंगात्मक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के इस अंदाज की अब तारीफ हो रही है। दरअसल कुमार विश्वास ने महबूबा मुफ्ती के बयान को शेयर किया और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना, अपने बच्चों से भी कहकर जाना कि आपके इसी निर्णय को आगे लेकर जाएं, कश्मीर की खुशहाली के लिए आपका और आपके जैसे दोनों परिवारों का अब जीवन भर भूतपूर्व बने रहने वाला ये अभूतपूर्व बलिदान कश्मीरवासी सदैव याद रखेंगे। अब जब से कुमार विश्वास का ये ट्वीट सामने आया, लोग जमकर मजे ले रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को ट्रोल कर रहे हैं। आप बताइए महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर और जिस तरह की वो मांग कर रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और फिर कुमार विश्वास ने जिस तरह से उन्हें लताड़ा और अपने अंदाज में उन पे तंज कसा, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।